नए प्रोजेक्ट्स के लिए एक अप्रैल से लागू होगा 5% जीएसटी, पुराने प्रोजेक्ट्स के लिए आईटी के साथ पुराने रेट समेत दो विकल्प। सोने की कीमतें 140 रुपए बढ़कर 32,970 रुपए प्रति 10 ग्राम हुई, चांदी 235 रुपए बढ़कर 38,960 रुपए प्रति किलो हुई। नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने जेट एयरवेज के संकट पर इमरजेंसी बैठक बुलाने के निर्देश दिए, जेट एयरवेज के मेंटेनेंस स्टाफ की 3 महीने की सैलरी भी बकाया। 2009 से 2014 के बीच 153 सांसदों की संपत्ति हुई दोगुना, एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा 72 बीजेपी सांसदों की संपत्ति बढ़ी। ग्लोबल एयरलाइंस के समूह IATA में शामिल हुई देसी एयरलाइंस स्पाइस जेट, 290 सदस्यों के ग्रुप में शामिल होने वाली भारत की पहली बजट एयरलाइन। ओला में $300 मिलियन का निवेश करेगी हुंडई, हुंडई ग्रुप अपनी सहयोगी कंपनी किया मोटर्स के साथ करेगी संयुक्त निवेश। हीरा नंदानी ग्रुप में खत्म हुआ 10 साल पुराना विवाद, पिता निरंजन हीरा नंदानी ने बेटी को दिए 360 करोड़ रुपए। एलएनटी ने माइंडट्री में अपनी आईटी शाखा में विलय से किया इनकार, एक स्वतंत्र कंपनी के तौर पर काम करती रहेगी माइंडट्री। एप्पल की नई टीवी स्ट्रीमिंग सर्विस का हिस्सा नहीं बनेगा नेटफ्लिक्स, आगे चलकर जुड़ने की संभावना से नेटफ्लिक्स ने नहीं किया इनकार। बीसीसीआई ने मुकदमा हारने के बाद पीसीबी ने चुकाए 11 करोड़ रुपए, दोनों देशों के बीच सीरीज ना होने पर मांगा था पीसीबी ने मुआवजा।